कोशिशें कर रहे हैं इनकी तबीयत ठीक करने की। आज इतना बड़ा दिन है और ये आज भी व्हीलचेयर। दिल को कितना बुरा लगता है। महेश्वरी जी, इतनी लगन से इतने सालों तक आपने राजपुरोहित जी की सेवा की, मेरा ख्याल है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस राजपुरोहित जी के चरण स्पर्श करने आया था, जल्दी में था, इसलिए जिद की कि इनसे पहले मिल लो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। पर आप अभी कैसे जा सकते हैं? अभी तो आप मम्मी के कहने का मतलब है कि आप आई हैं तो वसीयत सुना के जाइए। वसीयत? हाँ, आपने ही तो बताया था कि छोटे पोते के 23वें जन्मदिन पर आप वसीयत पढ़कर सुनाएंगे। पर मैं तो वसीयत लाया नहीं। क्यों? क्योंकि वसीयत खोलने का सही समय अभी नहीं आया और इस परिवार का छोटा पोता अभी इस योग्य नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है? मेरा मतलब है कि वसीयत तो आप आज भी खोल सकते हैं ना? नहीं विराट साहब, वसीयत के साथ साथ राजपुरोहित जी ने मुझे खत भी दिया था जिसमें लिखी बातों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। छोटा पोता इस योग्य नहीं है तो नहीं है। आप अभी ये बताइए कि अगर वसीयत अभी पढ़वानी है तो क्या कर सकते हैं? इस बात का निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति ले सकता है। कौन? स्वयं राजपुरोहित जी। ये मैं रोहन के लिए लाया था। नमस्कार, आज्ञा दीजिए। बड़ी माँ और जेठ जी इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कोई चिंता की बात तो नहीं? दादाजी, ये क्या नया था? बड़ी माँ और जेठ जी इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ बड़ी माँ? आप लोग क्या ऐसे क्यों खड़े? अब कुछ नहीं, तुम्हें बताया था ना कि आज के ही दिन रोहन को राजपुरोहित बनना था, लेकिन अब वसीयत नहीं पढ़ी जा रही है। रोहन की दिमागी हालत की वजह से, बाबूजी की सारे सपने टूट गए। इन्हें अंदर कमरे में ले जा रही हूं, कहीं की तबीयत और ना बिगड़ जाए। और सुनो, किसी से कोई बात मत करना, बिना वजह बात का बतंगड़ बन जाएगा। अगर राधिका ने रोहन को वो सच नहीं बताया होता तो आज रोहन ठीक होता, उसे राजपुरोहित बनाया जाता, रोटी बहू के आने से घर में खुशियां आनी थी,
पर राधिका के आने से घर में सिर्फ परेशानियां आई। मैं तुमसे अब और भी नफरत करता हूं राधिका, और भी नफरत। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, बस आपसे कुछ बात पूछनी है। मैंने अभी अभी बड़ी माँ और जेठ जी को दादाजी के साथ वहाँ देखा, वो अतिथि से बात कर रहे थे और चिंतित लग रहे थे। बस आपसे यही जानना था कि सब कुछ ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? ये बात आप पूछ रही हैं कि आप ये नहीं जानती इस घर में जितनी भी परेशानी है सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से आज इस घर को ये दिन देखने पड़े। लेकिन अब मैंने ऐसा क्या किया है? गर्मी को बाकी क्या रही? देखिए ना, वो रोहन हमारे गले का कांटा बनके फंस गया। चुप बैठिए। अगर रोहन को रास्ते से हटाने से सब कुछ हमारा हो जाता ना, तो कब का हटा दिया था उसको मैंने? पर इस बुड्ढे ने जो वसीयत की है ना, वे हमारे हाथ बन गए। अगर रोहन को कुछ भी हुआ, सबका सब इस बुड्ढे की वजह से सबका सब ट्रस्ट को चला जाएगा। लेकिन कोई तो तरीका होगा ना, अगर रोहन पागल है तो सबको छोटी बहू के नाम हो सकता है, और उससे तो हम कभी भी दस्तखत करवा सकते हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं है। इस बुड्ढे ने कोई चिट्ठी दी है ना साथ में, पता नहीं क्या क्या शर्तें लिखी होंगी उसमें। किस बुड्ढे की जान अभी अभी ले लो। इसे मत कर, ये और बात बिगड़ जाएगी। बात तो पहले बिगड़ चुकी है मनोज, अब तो बात को ठीक करने का टाइम है। आपने इस वकील को खरीद क्यों नहीं लिया? अरे वो वकील इतनी आसानी से नहीं बिकेगा, बहुत वफादार है इस बुड्ढे का। हंस ले, इतना हंसना है ना बुड्ढे, उतना हंस ले। एक बात याद, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा ना, वरना तू रहेगा और ना तेरा लाडला पोता रोहन। तुमने ऐसे क्यों रोका व्हीलचेयर को? डॉक्टर ने कहा है शॉक थेरेपी देने के लिए। देखो जरा, मैंने कहा डॉक्टर भले चाहे जो कहे, व्हीलचेयर को ऐसे धक्का देने से कुछ नहीं होगा। बाबूजी ने तो कहा ही नहीं है चलने की। कुछ काम था? बड़ी माँ, मैं आपसे कुछ पूछने आई थी। हाँ बोलो, क्या पूछना है? बड़ी माँ, वो पार्टी में जो अतिथि आए थे उनसे बात करते समय आप वो बहुत परेशान दिख रहे थे, और वहाँ से इस तरह से चले भी आए, तो मैं ये सोच रही थी कि आप। तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है विराट, ऐसे बात मत करो छोटी बहू से। फिर उसे हम सब की ही चिंता है। छोटी बहू, कुछ परेशानी थी लेकिन अब सब सही हो गया। बड़ी माँ,
कहीं आप लोगों की परेशानी की वजह मैं तो नहीं? वो मैंने देव बाबू से पूछा था तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम बहुत ही भोली हो छोटी भाऊ, छोटी छोटी बातों की चिंता करती है। देखो राधिका, हर बात के लिए खुद को दोष नहीं देते। हाँ, तुम्हारा तो व्रत है ना, कल सुबह पूजा के साथ ही अपना व्रत तोड़ोगी ना? जी। जाओ, तुम्हें तो और भी आराम करने की जरूरत है। जा। जी। सुनो, आइंदा जब भी आओ तो दरवाजा खटखटा देना। क्यों चौखट पे चुपचाप खड़े रहना इस घर में संस्कार नहीं माने जाते। जी बड़ी माँ, एक क्षमा कर दीजिएगा। मैं इतने गुस्से में था कि दरवाजा बंद करना ही भूल गया। अच्छा, वो राधिका ने कुछ सुना नहीं। पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ऐसी गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए। व्रत तो पूरा हो गया है, लेकिन व्रत तोड़ने से पहले मुझे मेरे पति को तिलक लगाना है और फिर उन्हीं का छुआ हुआ खाना खाना है। मैं ये नहीं जानती मैं ये कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरा साथ जरूर दोगे। जल्दी सुबह उठ गए? अरे तुम ना, मेरा अलार्म क्लॉक अलार्म क्लॉक। तुम्हारा भजन सुन के ना मेरी नींद खुल जाती है। तुम्हारा पूजा हो गया तो इससे पहले कोई आके मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देख ले, मैं आरती ले लूँ। आरती कितनी अच्छी खुशबू है, किस चीज की है? मंदिर में कपूर जल रहा है और ये खुशबू कपूर की है। कपूर? मैं तो इसे मंदिर वाली खुशबू कहता हूँ। मंदिर वाली कहा जाता है इस खुशबू से ज्यादा पवित्र खुशबू और कोई हो ही नहीं सकती। सच में बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने कितनी अच्छी कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। पता नहीं फिर मम्मी मुझे तुमसे बात करने क्यों नहीं देती। हे देव, तुम जाओ। से पहले मम्मी आ जाए और हम यहां इसके साथ देख ले, तू आरती ले ले। रोहन मुझे देर हो गई। देव, तू हर बात के लिए मना क्यों कर देता है? सीधे आरती ले ले।
फ्रेंड्स को मना नहीं करते ना, दोस्ती में ना नहीं बोलते। ले ले, आखिर ले। दो, दो। क्यों रहा है? लगा लगा ना, लगा 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 लो, अभी लगा लगा। पिछली बार तेरे को बोला था, सुनाई नहीं दिया था क्या? 20,000 रुपए देने हैं और तुमसे 8,000 रुपए दे रहा। इतना रख लूँ ना बॉस, थोड़े दिन बाद पूरा देता हूँ मैं। थोड़े दिन? ठीक है, तू एक काम कर, तब तक तू हमारे साथ हमारा मेहमान बन के रहे। साथ में लेके जाओगे तो वो बाकी का सिक्का कहाँ से इकट्ठा करेगा? मुझे साथ में लेकर जाओगे तो मैं बाकी का पैसा कहाँ से लाऊंगा? ठीक बोलिए, ये एक काम करो, इसको छोड़ दो, इसकी माँ को उठा लो। अरे खबरदार, खबरदार, तुम को हाथ लगाया तो हाँ, मैं राजपुर काइनों की समझानों बता दे रही हूँ। प्रधानमंत्री लगते क्या जो उनका नाम सुन के हम लोग डर जाएंगे? देखो भैया, मुरव वो मतलब ना था, देखो लड़ाई झगड़े से तो कछु हाथ मिलना होगा ना। मोरी बेटी ना राजपूत ताइनों के घर की बहु रानी बन गई है, बस 2 दिन में बड़ा पग फेरे के लिए आने वाली है, साथ में पैसे लेकर आवेगी। अब आपके 12,000 दे दे मुझे भैया, मोरे छोरा को छोड़ दो। ठीक है 2 दिन देता हूँ, फेरे पर बेटी आई तो बिना पैसे दिए वापस नहीं जानी चाहिए। ना जाएगी, ना जाएगी। मरे, मरे, पिता को छोड़ दो। तुम लोग अच्छी तरह हसर जानते हो ना, क्या करूंगा मैं? हाँ पैसे देना, चलो रे। झूठ ना बोल, तो को देख पता चल रहा है कि तू ठीक ना है। लग रहा है तो को देख के कि कल से तूने ना कछु खायो है ना पियो है, सूरज चढ़ायो है, अभी तक तेरा व्रत पूरा ना हुआ है। तू सबका ख्याल रखा था छोटी बहू, तेरा ख्याल कौन रखेगा? हम तो लिए खाना परोसते थे। ताइमा, आप परेशान मत होइए, मेरा भी खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। तो कुमन की खातिर नहीं, तन की खातिर खाना खानो है। जाके बैठो, हम तो लिए खाना लेके आवत है।
मैं व्रत कैसे तोड़ सकती हूँ? मुझे अपने पति का छुआ हुआ खाकर ही व्रत तोड़ना है। ऐसा नहीं किया तो व्रत सारा व्यर्थ हो जाएगा। किसका पलेट है? देव भैया का। इतने कुछ खायो ना? जी नहीं दाइमा, वो देव भैया ने इतना ही नाश्ता खाया और अपने नाश्ते की पूड़ी छोड़कर कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं है।